बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 11 का ई बुक फॉलो कर रहे हैं। आरएस अग्रवाल टॉपिक कवर कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस वाले एक्सरसाइज का हम ऑलरेडी 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के नाम से मिलेगा। अगर फिर भी कोई समस्या आ रहा है, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो बच्चों आज के क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, शो दैट x प्लस 1 बाय x हैज अ मैक्सिमम एंड मिनिमम बट द मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब छोटका वाला जो भाई होगा बड़का वाला भाई से ज्यादा होगा, यही प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है? तो आ जाओ, सबसे पहले बात कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको क्या मानेंगे हम लोग, एफ एक्स। लेट हमने माना यहाँ पर से एफ एक्स, एक्स प्लस कितना 1 बाई एक्स। इसके बाद क्या करते हैं, अब देखो स्टेप 1 स्टेप 2 हम सिखाने के लिए सिखा दिए, तब डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1 बाई एक्स का क्या होता है माइनस 1/x2। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बोलो पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस 1/x2 है एफ डैश एक्स का मान, बराबर 0। एक्स स्क्वायर हमने यहाँ लिया एलसीएम, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बाय क्रॉस कर देंगे तो नीचे वाला एक्स स्क्वायर खत्म, या एक्स स्क्वायर 1 को उधर ले आएंगे तो प्लस 1, तो एक्स का वैल्यू कितना प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर हमने एक्स का वैल्यू निकला 1 और एक क्या निकला हमारा माइनस 1। इसके बाद क्या करते हैं बोलो, इसके बाद करते हैं हम लोग एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले एफ डैश एक्स कितना हमारे पास 1 माइनस 1/x2, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो एफ डबल डैश एक्स, ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो 1 कांस्टेंट है 0, माइनस 1/x2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा -2/x³। देखो डिफरेंशिएशन एकदम फटाफट आना चाहिए, क्वेश्चन देखो गर्दा उड़ा दो, डिफरेंशिएशन है एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दो। जिस बच्चे का डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगा वो क्या करेगा, इंटीग्रेशन का एकदम गर्दा उड़ा धुआं धुआं कर देगा, समझे। जिस बच्चे का डिफरेंशिएशन स्ट्रांग नहीं है उस बच्चे को इंटीग्रेशन धुआं कर देगा, समझ में आ रहा है ना। आ जाओ अब यहां से क्या करेगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ कितना माइनस माइनस प्लस, तो 2 बाई कितना है x³। अब x की जगह एक बार 1 पुट करते हैं तो एफ डबल डैश कितना 1, तो 2/1³ इक्वल टू 2/1 इक्वल टू कितना 2, मतलब ये क्या निकला हमारा पॉजिटिव। इसका मतलब x बराबर 1 इज क्या देगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या देगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अरे समझाए थे कि x का मान रखने पर किस में, f डबल डैश x में अगर पॉजिटिव आएगा तो वो वैल्यू x का क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब चलो x का वैल्यू माइनस 1 पुट करते हैं तो f डबल डैश माइनस 1, तो यहाँ 2 नीचे में कितना x³, तो माइनस 1 का होल क्यूब 2/-1 यानी -2, ये क्या निकला हमारा निगेटिव, निगेटिव निकला। इसका मतलब x बराबर माइनस 1 इज क्या देगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अब x बराबर 1 इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू देगा और माइनस 1 पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अब आ जाओ यहां पर क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू कितना 1 एंड कितना माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है x प्लस कितना 1/x। चलो x की जगह एक बार 1 पुट कर दो तो 1 प्लस 1/1, तो ये 1/1 तो ये कितना हो जाएगा 2। अब x की जगह माइनस 1 पुट कर दो, ये रहा माइनस 1 प्लस कितना 1/-1, तो ये रहा माइनस 1, ये देखो प्लस माइनस माइनस 1, ये रहा माइनस 2। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या है, दिखने से क्या है 2 ज्यादा है और माइनस 2 कम है, लेकिन जिस पॉइंट पे हमारा मिनिमम, जो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा उसी पे, उस पॉइंट पे वैल्यू हमारा मिनिमम होगा, जिस पॉइंट पे हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा वो उस वाले वैल्यू पर क्या देगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, सॉरी क्या बोले, जिस जो पॉइंट को हमने डिसाइड किया कि मैक्सिमम होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, वही वैल्यू हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखो ऐसे भी प्रैक्टिकली 2 क्या हमारा मैक्सिमम और माइनस 2 क्या होगा मिनिमम, लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा वो क्या देगा, पॉइंट वो क्या देगा मिनिमम वैल्यू। तो 1 पर क्या मिला मिनिमम, तो ये क्या हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू, और ये क्या हो गया हमारा माइनस 2 क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो माइनस 1 पर ये वाला वैल्यू क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना 2
और मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना, माइनस टू। क्या दिख रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो ज्यादा है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, कम है। तो यही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बट मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है छोटा होगा, कम होगा किससे, मिनिमम वैल्यू से। सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा किससे, मिनिमम वैल्यू से। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस यहां से मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, यही प्रूव हो गया। इज क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट द कंपनी कैन मेक। मतलब एक कंपनी है जिसको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवेन बाय पीएक्स इज इक्वल टू 41 प्लस 24x माइनस कितना 18x स्क्वायर। मतलब देखो क्वेश्चन वही है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। और यहां पर क्या किया, बच्चा को थोड़ा सा भुतलाने उतराने के, डराने के लिए यहां पर कंपनी दे दिया, फंक्शन दे दिया, कंपनी कैन मेक प्रॉफिट दे दिया, ये सब कुछ नहीं है। सब में क्वेश्चन में क्या था, एफ एक्स होता था, यहाँ पर क्या है, पी एक्स है, बस मैक्सिमम वैल्यू निकालना। आ जाओ यहाँ पर लिखो, सॉल्यूशन लिख दिया, पी एक्स लिख दिया। तो हमें क्या करना होगा, इसका पहले डिफरेंशिएशन, तो पी एक्स का डिफरेंशिएशन पी डैश एक्स, तो 41 कांस्टेंट है तो जीरो, यहाँ 24, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 18, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। ये रहा हमारे पास पी डैश एक्स, यहाँ जीरो, ये कितना रहा 41 माइनस कितना, यहाँ पर से हो जाएगा कितना 18 36x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पुट पी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो जहां जहां एफ एक्स था ना, यहाँ पर हम लोग पी एक्स ले रहे हैं, बस यही कहानी है इसका। अब पी एक्स का वैल्यू 24 माइनस 36x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ देखो माइनस 36x को इधर रखो, 24 को उधर ले जाओगे तो माइनस 24 माइनस माइनस कट गया, तो एक्स इज इक्वल टू कितना रहा यहाँ 24 और बाई कितना 36, कितना टाइम में करेगा, बोलो काटो ना भाई, 12 से कटेगा, 12 दुना 24, 12 3 36, तो x बराबर कितना निकला 2/3, x का वैल्यू फाइनली निकल गया। चलो अब क्या करना है हमें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने चेक करने के लिए इसको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पी एक्स बराबर कितना है, सॉरी पी डैश एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास 24 और माइनस कितना 36x, इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश सॉरी पी डबल डैश एक्स 24 कॉन्स्टेंट है जीरो, यहाँ माइनस 36, एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो पी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 36। अब एक्स का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो पी डबल डैश कितना 2/3। अब देखो इस साइड तो एक्स है ही नहीं, तो माइनस 36 जैसे इसको वैसे उतार देंगे, लेकिन वैल्यू क्या है हमारा, पी डबल डैश क्या निकला, नेगेटिव निकला, नेगेटिव निकला, इसका मतलब 2/3 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 2/3 इज क्या देगा, ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब क्या हो गया कि एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पुट कर दो, पुट एक्स इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आ जाओ तो पी एक्स, एक्स के जगह पर कितना 2/3, उसके बाद है 41 है यहाँ पर 41, अब प्लस कितना हुआ 24x, तो यहाँ 24 लिखो इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 2/3, माइनस कितना इधर से 18 है इंटू कितना 2/3 का होल स्क्वायर, इसको काट दो, 8 टाइम में कट जाएगा 41 प्लस 8 दूनी कितना हो गया 16 माइनस 18 ऊपर में कितना हो जाएगा, देखो 4 अबट्टा में 9, तो 9 दूना 18, ये कितना हो जाएगा 6 × 7 यानी 57 माइनस इधर से 8, तो ये कितना हो जाएगा 49, तो एफ कितना 2/3, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना निकला इसका 49। हेंस क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इसको टू कितना होगा 49, बस यही हमारे पास आंसर हो जाए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है, एन एनिमी जेट इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। मतलब एक दुश्मन का जहाज जो है ना,
इस कर्व के अकॉर्डिंग ऐसे उड़ रहा है, ठीक है। अब कहता है अ सोल्जर प्लेस्ड एट द पॉइंट, एक सोल्जर है जो अपना बंदूक निकाल के ऐसे जो है ना क्या बना बैठा हुआ है, कहां पर? इस पॉइंट का नाम है 3.2 पर। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट बिटवीन द सोल्जर एंड जेट। तो कहता है जो सोल्जर और जो हवाई जहाज उड़ रहा है, जेट उड़ रहा है, उसके बीच का नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। मतलब नियरेस्ट मतलब क्या, कम, कम मतलब क्या, मिनिमम। इस वाले फंक्शन का आपको क्या निकालना होगा, मिनिमम निकालना होगा। तो ध्यान से सुनो क्या चीज है। लेट हमने माना नियरेस्ट पॉइंट बिटवीन सोल्जर सोल्जर एंड जेट इक्वल्स टू पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। और उसके बाद सोल्जर कहां पर प्लेस्ड है, सोल्जर प्लेस्ड एट पॉइंट कितना, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं क्यू टू कॉमा थ्री, वहां बता रहा है, ठीक है ना। तो और गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस टू, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इस पॉइंट P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या लिखा है, नियरेस्ट मतलब क्या, नजदीक दिखाना है। तो पहले डिस्टेंस PQ लिखो, तो यहां लिखेंगे हम डिस्टेंस PQ। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां लिखेंगे कितना, फिर टू माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो डिस्टेंस को अगर हम डी से लिखते हैं तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, इधर रूट हट जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कितना 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर अपनी जगह बिल्कुल सही है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये भी ठीक है, 2 माइनस वाई है तो वाई का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस कितना, फिर y के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। तो डी स्क्वायर बराबर फाइनली कितना आया, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 2 माइनस ब्रैकेट आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट गया, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो इधर तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनली 3 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स का पावर 4, तो एक्स का पावर कितना हो गया 4। अब यहाँ पर लेट हम क्या करें, डी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड मान लो, तो यहाँ पर जेड बराबर फाइनली कितना हो जाएगा बोलो, जेड इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कितना एक्स का पावर 4। अब ये फंक्शन हो गया, अब इसको क्या करना है हमें, मिनिमम डिसाइड करना है। तो पहले आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो चलो डिफरेंशिएशन करेंगे, dz बटा कितना dx, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू कितना 3 माइनस एक्स, और a माइनस है तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना, x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 हो जाएगा अगले स्टेप में, यहाँ 4x कितना हो जाएगा इधर से क्यूब, ठीक है। यहाँ फाइनली dz अपॉन कितना इधर से dx इक्वल्स टू ये वाला माइनस को, यहाँ एक काम करो, यहाँ 2 अपने जगह से इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो 4x क्यू वाई से रह जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, पुट डी जेड इक्वल्स टू कितना 0, इसको मल्टीप्लाई कर ले, ज्यादा आसान हो जाएगा, एक स्टेप और चलो ताकि डबल डिफरेंशिएशन करने में जो है ना आसान रहेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 6 और प्लस कितना हो जाएगा 4x क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पुट डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना 0, याद करो एफ डैश एक्स यही हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या करते हैं 0, और एक्स का वैल्यू निकाल देते, यहाँ डीजेड बटा डी एक्स है तो डीजेड बटा डी एक्स बराबर 0 पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा कितना 2x माइनस 6 और प्लस कितना 4x क्यूब इक्वल्स टू 0, यहाँ फाइनली 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस कितना 2x क्यूब इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ फाइनली कितना, देखो 2x क्यूब को पहले लिख लो फिर प्लस x को और माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो 2x क्यूब इसको हम प्लस 2x सॉरी 3 दुना 6 3 में से 2 गया तो 1,
तो यहाँ माइनस थ्री एक्स और माइनस थ्री लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन, देखो तो टू एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ टू एक्स अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स इंटू, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं, यहाँ माइनस प्लस लाना है, तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तब ना यहाँ पर प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टू एक्स कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस टू, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर से प्लस थ्री कॉमन लेंगे हम, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन बराबर जीरो। देखो ना प्लस थ्री कॉमन ले तो एक्स माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर से देखो इसको टू एक्स अपनी जगह सही है, एक्स स्क्वायर माइनस टू को एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर अपने तरफ से कर दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वन इंटू कितना एक्स प्लस वन, अब प्लस थ्री इंटू कितना एक्स माइनस वन इज टू जीरो, ये फाइनली कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन और प्लस कितना थ्री इंटू कितना, सॉरी यहाँ तो सिर्फ थ्री बचेगा बराबर जीरो। यहाँ पर क्या होगा एक बार एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स इक्वल सॉरी एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा वन, एक बार क्या हो जाएगा टू एक्स इंटू कितना एक्स प्लस वन और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, इसको जब ये करोगे तो ये हो जाएगा कितना टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ध्यान से सुनो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या देगा इमेजिनरी नंबर देगा। देखो कैसे एक्स का वैल्यू निकालेंगे, इसका फैक्टर तो नहीं, तीन दुना छः, छः में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा वन, मतलब इसका टू एक्स लाना है तो फैक्टर नहीं टूटेगा, तो एक्स एक्स बराबर कितना माइनस बी, तो माइनस टू, प्लस माइनस कितना बी स्क्वायर माइनस फोर, इसी तो फोर माइनस कितना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फोर तो चार को दूसरे करोगे आठ, आठ त्रिक कितना चौबीस और बट्टा में टू ए, यहाँ पर से फोर। अब देखो यहाँ पर से एक्स बराबर कितना निकला माइनस टू और प्लस माइनस कितना माइनस ट्वेंटी और अपॉन फोर, माई रूट के अंदर में माइनस ट्वेंटी आएगा, इसका मतलब क्या रूट के अंदर में माइनस आएगा तो क्या होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर होगा इसका मतलब इसको कर देंगे क्या निगलेक्ट, क्यों निगलेक्ट होगा ये जो सारा वैल्यू है ये कैसा आ जाएगा इमेजिनरी नंबर, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा निगलेक्ट, यहाँ पर निकलेगा निगलेक्ट, तो इसीलिए एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा सिर्फ वन निकलेगा, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू डिसाइड हो गया, अब यहाँ से इसको डबल डिफरेंशिएशन करो, इसको यहाँ लिखो तो डी जेड अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा टू एक्स माइनस सिक्स और प्लस कितना फोर एक्स क्यूब, इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे डी टू अपॉन डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू, जी सिक्स का कितना हो जाएगा जीरो और प्लस फोर एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक्स का वैल्यू कितना है वन, तो यहाँ वो पुट करेंगे तो डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ टू प्लस कितना 12 इंटू वन का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 14 है, ये क्या निकला हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव निकला, इसका मतलब x बराबर 1 इज क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा ये डिसाइड हो गया, ठीक है ना। अब ये तो पता चल गया ना कि x बराबर 1 पर क्या देगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमम पॉइंट देगा। अब x का वैल्यू किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y बराबर कितना है इधर से देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो वन का स्क्वायर प्लस टू, तो y बराबर कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, तो x बराबर कितना वन और y बराबर थ्री। आप बोलोगे सर x बराबर वन लिखा है यही पुट कर देते, इसको डिसाइड नहीं करते, अगर इसको नहीं करते तो कैसे पता चलता है वन जो है हमारा मिनिमम होगा, मतलब मिनिमम मतलब कौन सा नियरेस्ट मतलब सबसे कम होगा, समझ में आ रहा है। हेंस तब यहाँ पर क्या लिखेंगे हेंस नियरेस्ट पॉइंट इक्वल्स टू कितना है हमारे पास क्या माने हैं पी एक्स कॉमा वाई, तो वन कॉमा इधर से थ्री, यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्लियर है। इसका स्क्रीन शॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू साइन एक्स और इंटरवल है जीरो टू टू पाई। आ जाओ देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन तो हमने बहुत पहले किया है, बहुत सारा क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है माइनस एक्स और प्लस कितना है इधर से टू साइन एक्स, ठीक है ना, ऑन इंटरवल कितना जीरो टू टू पाई। अब आ जाओ इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एफ डैश एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन और टू, तो ठीक है साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है ना। इसके बाद क्या पुट करते हैं हम लोग, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो
और यहां से अपन x का वैल्यू निकालेंगे, तो f डैश x का वैल्यू जो भी यहां पुट कर दो, ठीक है। तो 2 cos x इज टू कितना, प्लस 1 उधर ले जाएंगे तो cos x इज टू कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है ना। अब cos किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 डिग्री, cos 60 डिग्री तो पाई बट्टा 3, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, cos x इज टू cos पाई बट्टा 3, तो x का वैल्यू कितना, पाई अपॉन 3, लेकिन इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में एक और वैल्यू आएगा जिसका वैल्यू 1/2 आएगा cos का। चलो यहां से लिखेंगे cos x इज टू cos कितना है, पाई बाय 3 को क्या 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं, अरे cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब चलो यहाँ cos x इज cos टू cos अपने जगह बिल्कुल सही है, इसको यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई, तो यहाँ पर फाइनली कितना, cos x इज cos टू cos 5 पाई अपॉन 3, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। दो वैल्यू निकल गया, अब इससे ज्यादा वैल्यू नहीं निकल सकता क्योंकि वो वैल्यू निकलेगा तो 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा। अब आ जाओ डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं अगेन। एफ डबल डैश एक्स कितना, सॉरी एफ एक्स है माइनस 1 प्लस कितना है 2 कॉस एक्स, डबल डिफरेंशिएशन तो एफ डबल डैश एक्स माइनस 1 कॉन्स्टेंट है तो 0 2, तो ठीक है कॉस एक्स का कितना होगा, माइनस साइन एक्स रे होगा, तो एफ डबल डैश एक्स अपनी जगह बिल्कुल सही है, ये रहा प्लस माइनस कितना, माइनस 2 इधर से हो जाएगा साइन एक्स। अब एक्स का वैल्यू पुट करके देखो किस पे मिनिमम मैक्सिमम निकलता है, तो पहले पाई बट्टा 3 पुट करेगा, एफ कितना, एफ डबल डैश पाई अपॉन 3, तो माइनस 2 इधर से कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 कितना, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, ये क्या निकला पॉजिटिव की नेगेटिव, ये निकला नेगेटिव, तो इसीलिए एक्स बराबर कितना पाई अपॉन 3 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। फिर एक्स की जगह पर 5 पाई अपॉन 3 पुट कर दो, तो एफ डबल डैश कितना 5 पाई अपॉन 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा माइनस 2 और साइन कितना 5 पाई अपॉन 3। अब साइन 2 भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं, याद करो 11th में बताए थे इसको कितना पाई अपॉन 3 यहां लिख लो, यहां पर से 2 पाई और माइनस लिख सकते हैं, देखो ना इसको ब्रेक कर दिए, 3 दूना 6 में से गया तो पाई, अब यहां माइनस 2 तो ठीक है साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस इधर से कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 3, तो 2 तो ठीक है साइन पाई अपॉन 3 कितना होता है √3/2, यानी ये कट गया √3, तो ये क्या निकला कुछ भी निकला उससे बात नहीं है, ये देखना है क्या प्लस निकला कि माइनस निकला, तो इस पे क्या निकला एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किसके रखने पर 5π/3 को रखने पर, तो इसीलिए एक्स बराबर कितना 5π/3 पर क्या देगा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, समझा। चलो अब ये रहा इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, अब यहाँ वैल्यू सब पुट कर दो, पर अब यहाँ से पुट करेंगे क्या एक्स बराबर कितना एक बार पाई अपॉन 3, उसके पहले 0 पुट कर दो, यहाँ 0 से 2π तक ना 0, उसके बाद कितना पाई अपॉन 3, फिर 5π/3, उसके बाद कितना 2π, ठीक है। तो अब यहाँ पर से देखो यहाँ पर से कितना हो जाएगा एक्स, तो अपने जगह एक मिनट एक्स की जगह 5π, हाँ ठीक है ठीक है, पहले जहां जहां एक्स है वहां वहां 0 पुट कर दो, एफ 0 ठीक है ना, एक्स 0, तो यहाँ कितना होगा देखो देखो, तो यहाँ पर है एक्स, पहले एफ एक्स लिख लो ज्यादा इजी होगा, एक्स इज कॉस टू कितना माइनस एक्स और प्लस कितना 2 sin x है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां पहले 0 पुट कर दो, तो यहाँ जाएगा माइनस 0 प्लस 2 sin कितना है 0, साइन 0 0, तो सारा टर्म कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब पाई अपॉन 3 पुट कर दो, तो एक्स की जगह माइनस पाई अपॉन 3 और प्लस 2 sin कितना पाई अपॉन 3, तो माइनस पाई अपॉन 3 तो ठीक है और 2 भी ठीक है, उसके बाद कितना है इधर पाई बट्टा 3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना √3/2, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कितना बचा माइनस पाई अपॉन 3 और प्लस कितना √3, फिर पुट कर दो एफ कितना 5π/3, यहाँ हो जाएगा कितना माइनस 5π/3 और प्लस कितना 2 sin 5π/3, तो साइन 5π/3 कितना निकाले हैं, इसको 2π में से गया तो माइनस एक में, अच्छा आ जाओ
ये कितना होगा माइनस फाइव पाई अपॉन थ्री, और यहाँ पर से ये कितना, इसका वैल्यू कितना होता है माइनस रूट थ्री बाई टू कट गया, तो ये कितना मिलेगा माइनस फाइव अपॉन थ्री और माइनस रूट थ्री, ठीक है। अब क्या पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू पाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस टू पाई, अब प्लस टू साइन कितना टू पाई, तो साइन टू पाई कितना होता है जीरो, तो ये सारा टर्म ये कितना हो जाएगा जीरो, ये वाला टर्म पूरा जीरो, यहाँ बचा कितना माइनस टू पाई। तो यहाँ पर से क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो होगा मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, यही फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 11 का ही था, मनी मैक्सिमम मिनिमम फाइनली खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।